इस लेक्चर में मैं आपको मास्क के बारे में बताऊंगा। दो तरह के मास्क होते हैं फोटोशॉप में, एक लेयर मास्क और एक क्लिपिंग मास्क। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मास्क असल में क्या है। मास्क जो है वो बेसिकली आपकी कोई भी लेयर है या कोई इमेज है, उसका कितना एरिया आप जो है वो दिखाना चाह रहे हैं और कितना हाइड करना चाह रहे हैं, वो असल में मास्किंग होती है। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे वो यूज़ होता है। सबसे पहले मैं उसका पहला यूज़ बताता हूँ कि क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क हम कैसे यूज़ करेंगे कि मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये इक्लिप्स टूल है, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये जो शेप है मेरी वो एक प्रोपोर्शन में रहे। देखें कि एक प्रोपोर्शन में आ रही है। शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इससे आपकी शेप जो है वो हमेशा एक प्रोपोर्शन में बनेगी। ये मैंने रिलीज़ किया तो ये देखें, ये असल में सर्कल ड्रॉ हुआ है। अब देखें टॉप पे जो है वो इमेज है मेरा, नीचे उसके जो है ये शेप है। अब आपने क्या करना है कि जो ये जो लेयर्स हैं, लेयर पैनल में आप आएं और आल्ट अपनी कीबोर्ड पे क्लिक करके, तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में देखें आप लेके आएंगे तो आपका आइकॉन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें और ये देखें आपके जो है वो इमेज जो है वो क्लिप हो गया है उस एरिया के अंदर। और इसका शायद बॉर्डर आ रहा है यहाँ से, हम प्रॉपर्टीज़ में जो है ना इसका ये स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं। ये देखें अब आप देखें कि ये जो इमेज है उसका सिर्फ उतना ही पोर्शन नज़र आ रहा है जो जितना ये सर्कल है। अब इसका एक और फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ से ये वी टूल सेलेक्ट करता हूँ, मूव टूल इसको कहते हैं, और मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके इमेज को मूव करना चाह रहा हूँ। ये देखें अगर मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ या इधर से ऐसे लेके आना चाह रहा हूँ, तो ये जिधर भी मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। देखें इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है क्लिपिंग मास्क का। नॉर्मली हम इसको इस तरह यूज़र की जो प्रोफाइल इमेजेस होते हैं उनमें हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म स्केल कर लेते हैं। देखें ये जो इसका बॉर्डर आया है ये पूरी इमेज के ऊपर आया है, ये देखें इस तरह। और अगर मैं सिर्फ ये एक्लिप्स को करना चाहूँ छोटा, तो ये इससे भी ये छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा, ये था हमारा क्लिपिंग मास्क के बारे में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम देखेंगे कि लेयर मास्क कैसे काम कर। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com, और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं, नए न्यू कोर्सेज के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।